भारत में हिंदुओं से आगे निकल जाएगी मुस्लिम आबादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। ये जो सवाल किया जा रहा है देश भर में, सवाल को लेकर मंथन चल रहा है, बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक जो रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी घटी है, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 167 देशों का अध्ययन किया गया था, जनसंख्या की ये अध्ययन हुआ था, जिसमें ये मालूम हुआ है कि जो हिंदुओं की आबादी है वो 7.82% 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुस्तान में घटी है, जबकि मुस्लिमों की जो आबादी है वो 43.15% बढ़ी है। वहीं नेपाल की अगर बात करें, जो कि एक हिंदू बहुल देश है, वहां पर भी हिंदुओं की आबादी घटी है। इसलिए ये चर्चा शुरू हो गई है कि हिंदुओं की आबादी क्यों घटती जा रही है जबकि मुस्लिमों की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। परिवार नियोजन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी अब एक नई बहस ने जन्म दे दिया। हालांकि ये लंबा समय से चला रहा एक टॉपिक है, यानी कह सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं और कि कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है जिसमें ये मांग की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे रिपोर्ट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो लगातार कम क्यों होती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चा हो रही है, अलग अलग तरह के पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें ये पोस्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों की जो आबादी है एक दिन हिंदुओं से आगे निकल जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम ऐसी कौम है जो बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है, और जो हिंदू हैं वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर एक भी बच्चा उनका होता है तो उसका भविष्य कैसा होगा, उसके भविष्य संवारने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होगी, उनकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से है कि नहीं है, यानी वो सोच समझ कर बच्चा पैदा करते हैं जबकि मुस्लिम जो आबादी है वो लगातार बच्चे पैदा कर रही है। इस तरह की चर्चाएँ सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं। परिवार नियोजन के खिलाफ भी आबादी, मुस्लिम आबादी पहुँच जाती है, ये भी एक वर्ग कहता है, क्योंकि जब जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात सामने आती है जो कट्टर मुस्लिम नेता हैं जो मुस्लिमों के खुद को ठेकेदार मानते हैं वो इस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की रहमत बच्चों को बताया जाता है, और ये एक अनुमान है कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों में ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी तीखी बहस लगातार होती रहती है, नेताओं के बयान भी सामने आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो यही है कि आखिर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या आखिर क्यों घटती जा रही है, हिंदू बहुल देशों में भी हिंदुओं की संख्या घटने के कारण क्या है। तो चर्चाएं जब हो रही हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आखिर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की वजह क्या है। दरअसल जो 16% मुस्लिम महिलाएँ हैं वो अपने सगे संबंधियों में ही आपस में ही वो लोग शादी करते हैं, इसलिए संख्या बढ़ती जाती है, यानी आबादी बढ़ती जाती है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं, और इसलिए जो हिंदुओं की संख्या है वो घटने का एक कारण ये भी माना जा रहा है। हालांकि धर्म के आधार पर 98% जो महिलाएं हैं वो परिवार नियोजन के पक्ष में हैं, यानी उनका भी ये मानना है, महिलाओं को भी एक मशीन नहीं समझा जाना चाहिए कि लगातार एक के बाद एक वो केवल बच्चे ही पैदा करती रहें, बल्कि क्योंकि उससे उनके शरीर को भी नुकसान होता है, और साथ ही उन बच्चों को पालने के पोसने में भी जो हिम्मत चाहिए, जो आर्थिक स्थिति उनकी उस हिसाब से कई बार नहीं होती है, क्योंकि जब सरकार फ्री में राशन बांटती है उस दौरान भी आपने देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें महिलाओं की होती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है घर की स्थिति क्या है और उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए ये जो तमाम चीज़ें हैं इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आबादी भी एक बड़ा कारण है। देश में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आने वाले दिनों में चाइना को भी भारत पीछे छोड़ देगा, इस तरह की भी चर्चा है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल दौर हो सकता है, क्योंकि रोज़गार को लेकर भी तमाम जो चिंताएं हैं वो विपक्ष भी जाहिर करता रहा है, और क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है ऐसे में ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि हिंदुओं की संख्या घटने का क्या कारण है, और धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि मांग लंबे समय से हो रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, परिवार नियोजन को लेकर, तो क्या सरकार आने वाले दिनों में इसमें कोई एक ठोस कदम उठाने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद जो भी सरकार बनेगी क्या वो इसको लेकर कुछ ठोस कदम उठाने के साथ ही क्या एक ऐसी रणनीति भी बनाएगी ताकि लोग उस पर धर्म के आधार पर फिर से बहस करना शुरू ना कर दें, विवाद खड़ा ना करें, और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन्हें भी अपनी राजनीति चमकाने का मौका ना मिले।